बढ़ते हैं। 18 नवंबर को देश के नए सीजेआई जस्टिस बोबड़े बन जाएंगे। इंडिया न्यूज के संवाददाता आशीष सिन्हा से जस्टिस बोबड़े ने खास बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस ए बोबड़े हैं जो 18 नवंबर को बतौर सीजेआई शपथ लेंगे। सर, आप अयोध्या बेंच के भी पार्ट रहे हैं, 40 दिनों का जो ये सुनवाई हुई थी उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। अपनी तरफ का एक अनोखा केस जो इतने सालों से विवाद में रहा है, 40 दिनों तक सुनवाई आपने की अयोध्या केस। वो जजमेंट अभी रिजर्व्ड है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अच्छा सर, कोलेजियम सिस्टम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, उस पर क्या कहें? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे अभी सर। ये अवसर नहीं है वो सब बातें सर। पेंडिंग केसेस को लेकर क्या, चूंकि आप सीजेआई बनेंगे उसको लेकर क्या वो कुछ केस फ्लो स्टडीज और कुछ केस मैनेजमेंट इसके ऊपर कमिटीज स्थापित की गई है, वो कमिटी के रिकमेंडेशन देखेंगे। आखिरी सवाल, सरकार के साथ संतुलन कैसा है, क्योंकि बार बार सवाल उठते हैं सरकार के साथ न्यायपालिका के संतुलन। ठीक है। चलिए, जस्टिस ऐसे बोल रहे थे, बतौर न्यायाधीश 18 नवंबर को शपथ लेंगे। अयोध्या केस का एक्सपीरियंस भी हर्ष शानदार रहा। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज दिल्ली।